इलॉन मस्क ने तो एक झटके में ब्लू टिक का किस्सा ही खत्म कर दिया। इसे बोलते हैं बिजनेस माइंड। $44 बिलियन के इन्वेस्टमेंट वेस्ट तो नहीं करेंगे। गए वो दिन जब आपके पास ब्लू टिक हो तो आपका अकाउंट प्रीमियम होता था। अब अगर आपको अपने ट्विटर पे ब्लू टिक कंटिन्यू करना है तो $8 per month देने पड़ेंगे, जो अप्रोक्सीमेटली 650 रुपीज है। बट अब इससे होगा क्या? बहुत से ऐसे लोग हैं जो ब्लू टिक का इंतजार काफी टाइम से कर रहे थे, प्रॉब्ली दे विल एंड अप बाइंग। बट ब्लू टिक उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनकी प्रोफाइल वेरीफाइड है। कुछ लोग तो बहुत ही ज्यादा रो रहे हैं और कुछ लोग बहुत ही ज्यादा खुश भी हो गए हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने बोला है हमें तो चाहिए ही नहीं। आप क्या करने वाले हो? सोचिए, अब जितना पैसा नेटफ्लिक्स को दे रहे हो पर मंथ, अब आपको उतना ही पैसा ट्विटर को देना पड़ेगा। पैसा बर्बाद। आपको क्या लगता है इसका कोई चेन इफेक्ट होगा क्या? इंस्टाग्राम भी यही चीज फॉलो करेगा? ट्विटर पे तो भूचाल आ गया आफ्टर द स्टेटमेंट ऑफ इलॉन मस्क। बट जब आप ये प्रीमियम पे करोगे तो इसमें से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलेंगे, जैसे आपको एड्स कम दिखाई देंगी और आपके ट्वीट्स के रिप्लाई टॉप प्रायोरिटी पे रहेंगे। प्लस सर्च रिजल्ट में भी थोड़ी सी प्रायोरिटी मिल सकती है आपको। अगर उन्होंने इतना पैसा देके ट्विटर को खरीदा है तो आई एम श्योर ही वांट्स टू मेक अ लॉट मोर मनी आउट ऑफ इट। इसीलिए उन्होंने अपने सारे एम्प्लॉयज को बोल दिया कि आपको 84 आवर्स पर वीक काम करना पड़ेगा टिल द एंड ऑफ द ईयर। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा, नहीं तो इलॉन मस्क आपको भी फायर कर देंगे।